अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अवश्य इस वीडियो को देखिए। कि आपको इसी तरह का मेल आया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, आप अवश्य देखिए, कंप्लीट तभी जान पाएंगे। तो यहाँ तो आपको देख ही रहे होंगे, यहाँ ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि NAAC, ठीक है, NAAC। तो ये NACC है क्या सब, ये जानना बहुत लोग। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैं बता दूँ कि NNACC, ठीक है, इसका मतलब। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे अगर हम NCC की बात करें, तो यहाँ पे देख ले रहे होंगे हिंदी में कुछ इस प्रकार होता है। तो आप हिंदी से भी देख लीजिए, जिसमें से कोई दिक्कत ना रहे, किसी को डाउट ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद, ठीक है। तो इसका हिंदी में कुछ इस प्रकार हुआ। और देखो तो यहाँ पे हम देखें कि यह एक सरकारी संगठन है, भारत की मूल्यांकन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा यह स्थापित की गई है। यानी कि इसका मुख्यालय हम कहें तो बेंगलोर में है, ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर शहर में है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा यह पारित किया गया है। यह कब बना, तो यह हम बता दें कि यह 1994 को बना है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका मेन कार्य क्या है, तो इसका मेन कार्य यही है कि UGC जो होता है, UGC क्या करवाता है कि UGC माने कि आपकी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की सर्वे हो रहा है एक तरह से। क्या सर्वे हो रहा है आप क्वेश्चन में लास्ट तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। वीडियो आपकी सुविधा आपके लाभ के लिए बनाते हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास भी एक मेल आया होगा, जैसे कि मेरे पास भी आया है NAAC करके। इस मेल को जैसे हम खोलेंगे तो इस मेल में क्या होगा आप लोग जानते होंगे। वीडियो कंप्लीट देखिए। जैसे कि यहाँ पे हम खोले हैं मेल, तो मेल कुछ इस प्रकार मिला है, सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मिला होगा। अगर आप रेगुलर होंगे तो 15 दिन के अंदर ये मेल आएगा और 15 दिन तक रहेगा। तो आप इसको सबमिट करिए जहाँ, और साथ ही इसको सबमिट करना अनिवार्य है। अगर आप रियल में स्टूडेंट रेगुलर होंगे, अच्छे से ओरिजिनल मेल दिए होंगे जो आप चलाते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक द लिंक दिया है, तो लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो आप मेल दिए होंगे जो उसी मेल पे आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके अपना मेल चेक करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें जब जिसमें से आप सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है हर एक चीज़, जैसे कि मैं इसका पहले हिंदी से वीडियो बता चुका हूँ कि हिंदी में क्या होता है। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू जैसे नीचे आएंगे तो हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हम इसको कंटिन्यू पे जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा है, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिसमें से कि जो भी नई नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचते रहे। उस तरह में वीडियो आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, जिस कारण से हम इसको इस प्रकार से किए हैं। आप कंटिन्यू पे जाइए और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि नेम, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी जो आपका रहेगा, मोबाइल नंबर, यहाँ तक तो आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। वो सबमिट ही रहेगा, मतलब वहाँ तक फिल रहेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जो कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरा डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा, जिसमें से जो आपका हो वही डालिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा ही कॉपी करने लगते हैं, तो ऐसा मत करिए, और जिनको अभी ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करते जाइए। तो यहाँ पे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि भर दिया है। अब हम इसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो हम मेल हैं, जैसे कि मैं मेल हूँ तो मैं मेल पर सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोग्राम नेम से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे पास, MA BA एजुकेशन, BA मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, BSc बायोग्रोप, BA म्यूजिक, MA म्यूजिक, BA LLB लॉ, BA BSc, BA BEd, BA LLB, BA, जो जो आप कोर्स करते हैं उस कोर्स के बारे में यहाँ ऑल टू A to Z यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप इसको देख सकते हैं, लास्ट तक देख सकते हैं। जैसे कि पीएचडी आप करते हैं, पीएचडी तक के स्टूडेंट सभी के लिए है, एमए, एमएससी, पीएचडी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, जितने भी ऑल स्टूडेंट के लिए है। तो आप जो भी मतलब स्टूडेंट होंगे आपके कॉन्टेक्ट में, इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए, जिसमें से वो अपना मेल चेक कर पाएँ और जान पाएँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, तो लाइक कर लें, जिसमें से कि जो हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, लाइक से ही पता चलता है हम लोगों को। तो जब लाइक करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा वीडियो आपको कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल रहता है। लाइक अगर करते हैं तो हम लोग आगे बनाने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मतलब नोटिफिकेशन आता है, तो हम लोग आप तक तुरंत ताज़ा लाइव और पहुंचाने की प्रोसेस करते हैं। मेरे पास जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या सेलेक्ट कर दूँ, मगर जो मेरा क्लास का भी है, जो आपके क्लास में है, तो जैसे मैं यहाँ पे बी इकोनॉमिक्स को मैंने सेट कर दिया है, आप जो कर रहे होंगे वहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे जैसे स्प्लाइजेशन यानी विशेषज्ञ लिखा है, तो आप इस पर क्या करेंगे, जैसे कि ये है, अगर आप पीजी कर रहे हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसको क्या करेंगे, मैं अभी यूजी कर रहा हूँ, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पीजी करके अपना कोर्स लिख देंगे, और यूजी वाले जैसे कि मैं अभी यूजी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नील डाल दूँगा, या फिर आप अपना मतलब जो प्रोग्राम कर रहे हैं यानी कि जो कोर्स कर रहे हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ नील, और नील डालने के बाद खोला हूँ पेज, तो कुछ इस प्रकार आया है। कुछ इस प्रकार पेज आने के बाद उस पेज को आप सबमिट करेंगे। पेज में जो क्वेश्चन दिया है आप इसको फिल कर दीजिए फटाफट, जो आपके पास क्वेश्चन होगा, या आप उस प्रकार अपने दिमाग से इस पर क्लिक करिए, ये मेरे अनुसार मत करिए, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। यानी एक प्रकार का यह सर्वे है जो पूछा जा रहा है, आप उसको फटाफट कंटिन्यू। और वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार कि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिसमें जो भी नई नोटिफिकेशन हो, लाइव हो, आप तक ताज़ा पहुँच जाए। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, सवाल हैं बहुत सारे, आप उनको फटाफट सबमिट करते जाइए, जिसमें से आपकी कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कितना क्या कुछ हो रहा है, ये यूजीसी को मतलब आपके यूजीसी जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको वहाँ तक पहुँच जा सके। और ये अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा आप इसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उतना अच्छा आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम रोशन होगा। यानी कि ये रैंक दिया जाएगा आपके यूनिवर्सिटी को कि या आपके कॉलेज को कि किस रैंक पे आया है। तो ये फाइल आप अवश्य सबमिट करिए। जैसे कि यहाँ पे मैं 20 तक आ चुका हूँ ऑलरेडी, और 21 पे कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे आप अपना कुछ लिख सकते हैं, आप यूजी कर रहे हैं तो अपना कोर्स के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने नील डाल दिया, और इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे थैंक यू आ जाएगा आपका, पूरा हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट करके, और जो फर्स्ट में मेल आया था उसको मेल कर दीजिए, आपका सबमिट हो जाएगा।